पैरों को जितना नज़दीक ले सके नज़दीक, और घुटनों को अप डाउन करें और एक कहानी सुनें, उसके बाद एक नगाड़े कम जा। हमें होशपूर्वक जीना चाहिए, ये घटना ये बताती है। मुल्ला नसरुद्दीन का गधा बार बार बीमार हो जाता, कभी उसको बुखार आता, कभी जुखाम हो जाता, तो कुछ कुछ चढ़ता रहता। तो एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन उसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने तपास की और दो गोली उसको दी। ये दो गोली और एक पोली नली वह भी साथ में दी, ये नली के अंदर दो गोली रख देना, एक सिरा गधे के मुंह में रखना, दूसरा सिरा अपने मुंह में रखना और ज़ोर से फूंक मार देना, वो गधे के पेट में चली जाएगी और गधा स्वस्थ हो जाएगा। सही बात है, और बाकी उसके पेट में डाले कैसे? उसने कहा बात ठीक है। घर पे आया, गधे के मुंह में पोली नली डाली, दो गोली भी डाली, और फिर क्या हुआ ना मालूम। पर शाम को जब आग बुगला होकर हाथ में लठ लिए, डॉक्टर के दरवाजे पर मुल्ला आया। डॉक्टर ने कहा क्या बात हो गई आज मुल्ला तमतमा रहा है? उसने कहा आपने पूरी बात क्यों नहीं बताई? उसने कहा क्या पूरी बात, अधूरी बात क्यों बताई? बात पूरी क्या बताओ, पूरी बात आपने नहीं बताई। मैंने गधे के मुँह में नली डाली, गोली अंदर रखी, अपने मुंह में भी नली डाली और तब तक गधे ने फूंक मार दी और गोली मेरे पेट में चली गई, और आपने गोली भी बड़ी तेज दी है और गधे की गोली दी है, तो अब क्या करें बोलो। अरे पर उसने कहा मुल्ला तूने तुरंत क्यों नहीं मारा, तू क्यों तुरंत नहीं मारा, क्या सोचने लगे थे? तो बस यही, जैसे ही मैंने नली डाली कुछ विचार हुआ, उस विचार में ही उसने फूंक मारी। तो ऐसा होता है, जरा सी बेहोशी, हमारा होश थोड़ी देर के लिए खोया लेकिन खुद को तकलीफ कर दी, और जो हम करना चाहते थे वो नहीं हुआ और दूसरा ही हो गया। तो बेहोशी में जो हम चाहते वह नहीं होता, और जो हम चाहते हैं वह हो। अगर ऐसा चाहिए आपको तो होशपूर्वक काम करें, जो काम करें होश में करें, बेहोशी में नहीं। जरा सी चूक यहाँ तकलीफ कर देती है। मुल्ला के जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, क्योंकि शराबी था वो, बहुत शराब पीता, इतनी शराब एक दिन पी, पीते पीते उसके मित्र ने कहा आप तो बहुत पी ली। नहीं नहीं, मेरी पत्नी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए मैं पूरा पी लेता हूँ ताकि उसको मालूम ही नहीं पड़े और मेरे को भी मालूम नहीं पड़ेगा कि मैंने शराब पी। तो वो पी के निकल गया, घर पे पहुंचा, और जैसे ही घर पे पहुंचा और जाकर देखा कि भाई, क्योंकि रास्ते में बहुत बार लड़खड़ाया, गिरा भी, चोटें भी आई, लहू लुहान हो गया, तो शराबी लोग अपना प्रबंध करके रखते हैं कि पत्नी को नहीं मालूम। वो गया सीधा बाथरूम में, देखा कहाँ कहाँ खून आ रहा है, वहाँ वहाँ उसने पट्टी लगा दी और चुपचाप पत्नी के पास आके सो गए। बहुत खुश था, आज पत्नी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ा कि मैंने शराब पी। लेकिन सुबह होते होते ही पत्नी जब बाथरूम में गई तो जैसे आई और आते ही कहा मुल्ला ये क्या किया तुमने? उसका क्या किया? तो पूरे आईने पे तुमने पट्टियाँ लगा दी, क्योंकि चेहरा जैसा देखता गया वैसा वहाँ पट्टी मारता गया, यहाँ यहाँ खून आ रहा है, वहाँ वहाँ पट्टी मारता गया। ये बेहोशी के लक्षण। अगर ऐसी बेहोशी हमारे जीवन में रहेगी तो हम कैसे अपना जो चाहे वो काम कर सकते हैं, जाना चाहते हैं किधर और पहुंच जाते हैं किधर, क्योंकि शराब का नशा है। ऐसा ही बेहोशी में हम कुछ भी न करें, होश पूर्वक करें, और प्रेक्षा ध्यान हमें होश पूर्वक जीना सिखाता है। हर क्षण होश में रहे ताकि जो चाहे हम वह काम पूरा हो। अगर आप जो चाहते हैं वो हो तो फिर होश पूर्वक जी करें।